खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा के सोनपुर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत मल्टीपर्पज कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। पर इस कॉलोनी में पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक कोई पानी की टंकी तक नहीं बनाई गई है। सोनपुर से पानी लाकर पहुंचाया जाता है। पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिलने से कॉलोनी में रहने वाले रहवासी आक्रोशित थे। आज उन्होंने नगर निगम पहुंचकर वहां पर पानी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। देखें पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर आशीष मालवी के साथ। पहले कंप्लेंट दिया था अपने साहब को, कमिश्नर साहब को यहाँ निगम में, तो उन्होंने मोटर जो जल गई थी उसको ठीक करवा दिया था, लेकिन वहाँ पे जो कुआं है और एक बोर है उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें सोनपुर गांव का भी पानी जा रहा है और मल्टी को भी दिक्कत इतनी आ रही कि बोर से कुएं में पानी सप्लाई कर रहे हैं और कुएं से फिर गाँव और मल्टी में दे रहे हैं, तो एक घंटे पानी स्टॉक होता है और एक घंटे बाद फिर सूख जाता है, तो इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है पूरी मल्टी और सोनपुर वासियों को कि अब हम जान रहे हैं। और आगे 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, तो निवेदन है कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब से कि हमारी जो समस्या है इसको तुरंत जल्द से जल्द हल करने की कृपा करें। और बोर भी चाहिए एक, और एक सरस वाला रोड में बोर है तो उसमें एक मोटर नहीं है, तो उसको मैं मोटर डलवाने की कृपा करें। अभी जो मल्टी में लोग रह रहे हैं उनको पानी की समस्या थी, वहाँ बोर से अपन पानी दे रहे हैं अभी, तो बोर की मोटर जल गई थी, आज कल ठीक हो गई है मोटर, अब विद्युत पानी देने लगेंगे। दूसरा उनकी समस्या ये है कि थर्ड फ्लोर पर पानी नहीं पहुँचता, उनका टैंकर से भी पानी दे रहे थे, उनकी समस्या है कि हमको थर्ड फ्लोर पर पानी कैसे देंगे। तो अभी टैंकर से पानी की व्यवस्था रहने की थी, अब वो जो संबेल बना हुआ है उस पर टैंकर से पानी डाल के ऊपर व्यवस्था बनाई जाएगी, और वैसे ही ये जो टंकी बन जाएगी, सोनपुर में टंकी बन रही है, तो माछागोरा का पानी जाएगा, कुछ महीने बाद वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी वर्तमान में मोटर जो जल रही थी वो ठीक करा दी गई है और टैंकरों से व्यवस्था बनाई जा रही है, उनकी समस्या का ध्यान रखा।